कैसे बचाएं रुपए, जानिए सेविंग करने के बढ़िया तरीके। नंबर वन, ट्रैवलिंग। बिना मतलब की ट्रैवलिंग छोड़कर रुपए बचाए जा सकते हैं। कई बार लोग बिना किसी कारण के यात्रा पर निकल जाते हैं, इससे काफी पैसे बर्बाद हो सकते हैं। नंबर टू, बाहर का खाना। रोजाना बाहर का खाने से हेल्थ इश्यू हो सकता है। इसके साथ ही बाहर का खाना खाने से पॉकेट पर भी काफी असर पड़ता है, काफी पैसा बर्बाद होता है। बाहर का खाना न खाकर पैसे बचाए जा सकते हैं। नंबर थ्री, शॉपिंग। कई बार लोग शॉपिंग पर जाते हैं और MRP के हिसाब से ही चीजें खरीद कर ले आते हैं। जहां जरूरत लगे वहां डिस्काउंट हासिल करने की भी कोशिश करें, इससे भी सेविंग होगी। नंबर फोर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हुए ईंधन के दाम के कारण खुद के व्हीकल पर खर्चा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके भी अच्छी सेविंग की जा सकती है। नंबर फाइव, सब्सक्रिप्शन। कई लोग बिना जरूरत के अलग अलग प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ऐसे में जिन सब्सक्रिप्शन की जरूरत ना हो उनको बंद कर देना चाहिए। नंबर सिक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। घर की इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कई बार लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी ज्यादा आता है, ऐसे में इसको कम करने की जरूरत है। नंबर सेवन, अनावश्यक खरीदारी। अनावश्यक सामान की खरीदारी करने से भी लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अनावश्यक सामान की खरीदारी न करें। नंबर आठ, खर्चे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च महीने में ना हो। कई बार लोगों के खर्च बढ़ जाते हैं, ऐसे में अपने खर्चों को मॉनिटर करना भी काफी जरूरी है, तभी सेविंग हो पाएगी। नंबर नौ, बजट बनाकर चलना काफी अच्छा होता है। लोगों को हर महीने का एक बजट बनाना चाहिए, जिससे ये भी पता चल जाता है कि लोग महीने में कितनी सेविंग कर सकते हैं।